बाद में सुभाषपा पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। फिरोजाबाद के जलेसर रोड झील की पुलिया के समीप एक रिसोर्ट में चक्रवर्ती सम्राट महावीर सुहेलदेव राजभर के विजय उत्सव के अवसर पर सुहेलदेव समाजवाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा समीक्षा बैठक की, जिसमें ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे, अरविंद राजभर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव व पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप की देखरेख में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर अरविंद राजभर ने राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पूर्व राज्य मंत्री ने समाचार 24 से खास बातचीत में बताया कि हमारी पार्टी हर मंडल हर जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े स्तर पर समीक्षा बैठक की जा रही है, जिसमें एक सदस्य बनाने के लिए 10 रुपये लिए जाते हैं व 10,000 रुपये के बराबर हैं। समीक्षा बैठक में सैकड़ों महिला पुरुष पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सौराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। जी अल्टर जी, आज जो समीक्षा मीटिंग की गई है, क्या प्रस्ताव कितने सारे? देखिए, हम लोगों के द्वारा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से हर महीने प्रयास करती है कि संगठन का विस्तार हो, उसी कड़ी में आज ये मंडलीय समीक्षा बैठक रखी गई थी। ये देखा गया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता संगठन को कहाँ तक पहुँचाए हैं, कितने लोग पार्टी में जुड़े, सस्ता अभियान चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमारे नेताजी की जो विचारधारा है, जो सोच है, जो लड़ाई है, क्या वो हमारे ग्राउंड लेवल तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। इस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर हम लोग आए थे। बहुत सारे लोगों ने आज पार्टी में ज्वाइन किया है, समाजवादी पार्टी को छोड़ करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता भी आज लोगों ने लिया है। कुछ लोगों की घोषणा भी किया गया है, प्रदेश का नेता बनाया गया है, मंडल का भी बनाया गया है, कुछ लोगों को जनपद में भी पदाधिकारी बनाया गया है। और सबको आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं कि जो त्रिस्तरीय अभी नगर पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, उसको मजबूती से लड़ना है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को। कमर कस के रखें सभी लोग, संगठन को मजबूत करें। कहीं भी जुल्म जाति अत्याचार होता है तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग उसको न्याय दिलाने का पूरा पूरा प्रयास करें। डॉक्टर साहब, आपने 10 रुपये की बात कही थी कार्यकर्ताओं से, 10 रुपये की 10,000 फायदा होगा, वो क्या मामला? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ही नहीं, उत्तर प्रदेश की या देश की चाहे जो भी पार्टियाँ हों, उनके संविधान में होता है कि आप अगर पार्टी का विस्तार करेंगे तो विस्तार का आधार क्या होगा। आधार के लिए एक रसीद होती है प्राथमिक सदस्यता की, जिसका शुल्क नॉमिनल 10 रुपये रखा जाता है, मैक्सिमम पार्टियां 50-100 भी रखती हैं। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 3 रुपये में 1 साल के सदस्य बनाती हैं और 10 रुपये में 3 साल के सदस्य बनाती हैं, 9 रुपये में 3 साल का सदस्य और 1 रुपये में उसको ID कार्ड दिया जाता है। हमारे पार्टी से जो सदस्य होता है, बकायदे उसकी देखरेख, उससे संबंधित उसको कोई समस्या होती है, किसी प्रकार कोई पीड़ा है, कोई भी समस्या है, तो वो व्यक्ति यहाँ से डायरेक्ट संपर्क करता है और उससे संपर्क साधने का और उससे डायरेक्ट संपर्क होने का एक ही माध्यम है, वो हमारी रसीद 10 रुपये की। जब वो 10 रुपये का रसीद काटता है तो उसका पूरा डिटेल, मोबाइल नंबर सहित गाँव का नाम, नंबर वगैरह सब आ जाता है। तो ये एक माध्यम है, जब वो हमारे पास डिटेल रहेगा, मेरा उसके पास नंबर रहेगा, ऑफिशियल नंबर रहेगा, उसको किसी प्रकार कोई समस्या होती है, कोई सुझाव लेना हो, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी संपर्क करता है और उसकी तत्काल उसको सुझाव दिया जाता है, उसकी समस्या का समाधान कराया जाता है। लखनऊ पुलिस ने होमगार्ड की बेटी के हत्यारे दोनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राजधानी लखनऊ के इटौजा थाना क्षेत्र में 1 जनवरी 2023 को एक युवती की हत्या कर उसके